अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रजा। उम्मीद है आप सब लोग हेयर ऑफिस से होंगे। और जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक है उज्बेकिस्तान ट्रैवल, कैसे आप लोग यूएई से उज्बेकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं और उज्बेकिस्तान के ट्रैवल के बारे में और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आज उज्बेकिस्तान के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी तो गाइस, जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है उज्बेकिस्तान ट्रैवल। और बिल्कुल अगर आप यूएई रेजिडेंट्स हैं, लाइक अगर आप दुबई से, शारजा से, अबू धाबी से, कहीं से भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं उज्बेकिस्तान, तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रैवल है और इसका बिल्कुल भी आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम लाइक जॉर्जिया, वीज़ा फ्री ट्रैवल है, ठीक है, वीज़ा फ्री कंट्री है। और जस्ट आपको अपना टिकट बाय करना है, रिटर्न टिकट, और साथ आपको अपना होटल बुकिंग साथ रखना है और आप बिल्कुल ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे टाइम पर जब मैंने ट्रैवल किया, और अबू धाबी से मैंने ट्रैवल किया, ठीक है, अबू धाबी से मुझे सिर्फ उन्होंने होटल बुकिंग मुझसे पूछा जो कि मैंने उनको दिखाया, और उसके अलावा उन्होंने मेरा एमरट्स आईडी कार्ड देखा और उसके बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जब मैंने समरकंद में ट्रैवल किया है और यहाँ पर जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो यहाँ पर भी बड़े ही स्मूथली मुझे एंट्री मिल गई थी और उस पर कोई भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, कितने दिन का ट्रैवल है, होटल बुकिंग या कोई ट्रैवल इंश्योरेंस या कोई शो मनी, कुछ भी नहीं उन्होंने पूछा। जस्ट विद इन 1 मिनट में उन्होंने मुझे एंट्री स्टैम्प लगा दी और मैं एयरपोर्ट से बाहर। और यहाँ पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरी बात यह है कि आपने जस्ट अपना होटल बुकिंग अपने साथ रखनी है और अपना रिटर्न टिकट अपने साथ रखना है। उसके अलावा आपको वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा फ्री कंट्री है फॉर यूएई रेजिडेंस, ठीक है। और ट्रैवल के हवाले से भी बहुत अच्छी कंट्री है और चीप ट्रैवल है सारा। अगर 1% ट्रैवल करना चाहता है तो ऑलमोस्ट 1200 से 1300 के अंदर अंदर ट्रैवल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर ट्रैवल करें तो अपने साथ यूरो या तो यूएसडी ये अपने साथ रखिए। और यहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आप चेंज करवा सकते हैं यहाँ की जो करेंसी है सोमनी, ठीक है। और बिल्कुल आपको एयरपोर्ट से ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एयरपोर्ट से ही अपने जो आपके है करेंसी वहाँ से चेंज करवा लीजिए, क्योंकि जो सिटी में आपको मुश्किल से ही कोई ऐसी शॉप वगैरह मिलेगी जहाँ से आप चेंज करवा सकें। नॉर्मली यहाँ पर आपको बैंक में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कुछ एक दो मशीन्स वगैरह भी आपको मिलेंगी जिन पे आप डॉलर डिपॉजिट करके तो वहाँ से अपना यहाँ का जो है करेंसी वो चेंज करवा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अपने डेबिट कार्ड वगैरह हैं यूएई के तो आप यहाँ से एटीएम मशीन से यहाँ की जो है करेंसी वो भी निकाल सकते हैं। होटल्स की जहाँ तक बात करेंगे तो होटल्स भी अगर आप 3 या 4 दिन के ये आएंगे, जैसे कि मैं अब मेरा 3 नाइट स्टे था और मुझे ऑलमोस्ट 250 दिरहम का ये होटल पड़ा, एक स्मॉल रूम है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने पिक एंड ड्रॉप भी लिया था होटल से ही, और पिक एंड ड्रॉप का इन्होंने 20 USD चार्ज किया है, $10 वन साइड, तो ये भी नॉर्मल है, ऑलमोस्ट 36 दिरहम वन साइड। इसी के साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक रेगिस्तान स्क्वायर है, शाही जिंदा एक इनका हिस्टोरिकल प्लेस है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जो आप सर्च करें और यहाँ पर आके ट्रैवल कर सकते हैं। 3 से 4 दिन का ट्रैवल बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी किसी कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं तो उज्बेकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर ट्रैवल हिस्ट्री, तो आप ज़रूर इसको अपने ट्रैवल हिस्ट्री में शामिल कीजिए। और आजकल तो इसका वेदर भी बहुत अच्छा है और रात के टाइम 3 से 4 डिग्री हो जाता है, जबकि नॉर्मल डे के टाइम 14-15 तक इसका टेम्परेचर रहता है। अगर आप लोग 1 से 2 कंट्री साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप उज्बेकिस्तान के साथ कजाकिस्तान को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो किर्गिस्तान को भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने जब ट्रैवल किया था किर्गिस्तान तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर आप यूएई रेजिडेंस हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा किर्गिस्तान में। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप 2 कंट्री को साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप समरकंद भी आ सकते हैं उज्बेकिस्तान, और यहाँ से आप किर्गिस्तान भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको वीज़ा ऑन
अराइवल मिलेगा। और इसके साथ साथ ये दोनों कंट्रीज साथ साथ ही हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये कंट्रीज साथ साथ ही हैं। और आप एक ही टूर में ये तीन कंट्रीज भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो दो कंट्रीज कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपने ट्रैवल कर लिया है इनमें से एक दो कंट्री में, तो अपने लिए दूसरी कंट्री आप चूज कर सकते हैं। और आपको एयरपोर्ट से ही सिम मिल जाएगी, सिम आप यहाँ पर ले लीजिएगा 3 से 4 दिन के लिए अगर आप स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अगर आपका होटल दूर भी है कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे येंडेक्स ऐप चलती है, जैसे कि बाकू जॉर्जिया में बोल्ट ऐप चलती है, तो यहाँ पे आप येंडेक्स ऐप के जरिए कहीं भी स्मूथली जो है राइड ले सकते हैं अपनी। लाइक अगर आपकी राइड है 6 से 7 किलोमीटर दूर की, तो वो आपको यहाँ पर इतनी चीपेस्ट मिलेगी कि यहाँ पर अगर मिनरल वाटर की लार्ज बॉटल अगर आप देखें तो वो आपको मिलेगी 5000 सोम की। जबकि मैंने अभी आज अपना एक राइड लिया 7 किलोमीटर का, जो मुझे पड़ा 2200 ऑलमोस्ट 5 दिरहम बनते हैं। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो होटल बुक करना है उसको आपने इतना ज्यादा नहीं देखना कि सिटी सेंटर में मिले या बहुत ही जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, जो प्लेसेस हैं उनके साथ साथ मिले। आप जस्ट अपना होटल बुक कीजिए जहाँ पर आपको चीपेस्ट होटल मिले, ठीक है। और उसके बाद येंडेक्स ऐप के जरिए आप कहीं भी जा सकते हैं, बहुत चीप यहाँ पे राइड्स हैं, ठीक है। और बहुत ही सेफ कंट्री है, अगर आप रात को बाहर हैं 10 बजे 11 बजे या दिन के टाइम, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, और टूरिस्ट जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और बड़ा प्यार मुझे मिला यहाँ 2 से 3 दिन में। और बहुत ही सेफेस्ट कंट्री है ये, और किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है। और ये थी आज की वीडियो उज्बेकिस्तान ट्रैवल के बारे में, कैसे आप लोगों ने यूएई से ट्रैवल करना है, और सिम के बारे में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर कैसे आपने राइड्स लेनी है, येंडेक्स ऐप के बारे में मैंने अपडेट कर दिया है, और होटल के बारे में भी मैंने आपको बताया है, से जो आपने यहाँ पे चेंज करवाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि यूएसडी आप वहां से ले हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट पे चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन उज्बेकिस्तान ट्रैवल के बारे में अगर मुझसे मिस हो गई हो, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको फर्दर अगर कोई यूके की फाइल प्रोसेस करवाना हो या यूरोप की फाइल प्रोसेस करवाना हो या किसी किस्म के भी के बारे में वीजा प्रोसेस करवाना हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।